दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के बारे में जिसके मदद से आप घर बैठे मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, जिसमें कि 25,000 रुपये आपको देखने को मिलता है। 2 मिनट के अपने बैंक खाते में ले सकते हैं 2 मिनट के अंदर में। जिसका सिविल स्कोर नहीं है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही प्रॉब्लम निकल के आती है, भाई हमारे सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है फिर भी हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रही है। रिजेक्शन होने का भी रीज़न अभी आपको सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा एप्लीकेशन कौन सी है और किसको लोन मिल रहा है। 3 स्टेप में एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट क्लियर बता दूंगा, आपको भी दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर में क्या है कि जो भी RBI रजिस्टर्ड होती है मैं उसी के ऊपर ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जो RBI रजिस्टर्ड होती है वो डेफिनेटली सिविल के अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड कराती है। मान के चलो अगर आपका किसी कारण से आपका 750 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है, या फिर 650 आपका इससे ऊपर है, या फिर हो सकता है 850 भी आपका सिविल स्कोर ऊपर हो सकते हैं। अगर किसी कारण से आपने डिफॉल्ट कर रखा होगा पिछले लोन अकाउंट को, ओवरड्यू आपने कर रखा होगा, तो जिस कारण से आपका रिजेक्शन होता है और आपको लगता होगा भैया हमारे सिविल स्कोर तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप ऑन टाइम रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका ओवरड्यू होगा। 3 महीने तक लगातार आप ओवरड्यू करते हैं तो आपका डिफॉल्ट होगा, और डिफॉल्ट हो जाएगा तो दोस्तों ऐसा समझिए कि आपका कोई भी लोन आपका फाइनेंस नहीं होगा, चाहे वो कार हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर हो, टीवी, टेलीविज़न, कोई भी आप चीज़ लेना चाहते हैं वो चीज़ें वाई फाइनेंस नहीं होगी अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा या फिर आपका लोन अकाउंट ओवरड्यू क्यों ना हो। अगर आपको यह भी लगता है कि हमारी सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, तो भाई सिविल स्कोर से मतलब नहीं है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से मतलब है कि आपने लास्ट टाइम लोन की रिपेमेंट कैसे की है। चलो, यहाँ तक समझ में आएगा कि यह कैसे रिजेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ की अगर आपने मान के चलो कि 2, 3, 4 अकाउंट से आपका लोन जो है एक्टिव है, यानी आपका लोन चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं 5वीं लोन एप्लीकेशन के ऊपर भी आप ट्राई कर रहे हैं, लोन अप्लाई कर रहे हैं, भाई ऐसे काम मत करो। आप अगर लोन अप्लाई करोगे बार बार तो आपकी लोन इंक्वायरी हो जाएगी और आपका सिविल स्कोर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आप चेक करोगे कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने से सिविल स्कोर डाउन नहीं होती है, बट अगर आप बार बार लोन इंक्वायरी कर रहे हैं, बार बार आप लोन एप्लीकेशन के अंदर ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कभी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर और भी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही। और जैसे जैसे आप इंक्वायरी करेंगे वैसे वैसे आपके सिविल में रिपोर्ट होते जाता है और सिविल आपका ड्रॉप होना शुरू होता है। तो इस तरह से दोस्तों एप्लीकेशन काम करती है और लोन आपका रिजेक्शन करती है। यहाँ पर 3 स्टेप में आपको लोन यहाँ पर दोस्तों पास हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन काम कैसे करती है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर में आपको मैक्सिमम लोन देखने को मिलेगा 25,000, और शुरुआती दौर में दोस्तों आपको मिलता है 3,000 रुपये से स्टार्ट। और हमने बकायदा इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी दिखा रखा है। जी, पहले एप्लीकेशन ये बीनो फाइनेंस के नाम से एप्लीकेशन काम करती थी, अभी एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर दिया गया है। कौन सा एप्लीकेशन है मैं आपको वो भी बता दूंगा, सिर्फ नाम चेंज किया गया है, बाकी हमने इस एप्लीकेशन से लोन लेकर दिखा चुका हूँ जब ये बीनो फाइनेंस के नाम से एप्लीकेशन जाने जाते थे। आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे लोन टर्म भी देखने को मिल जाता है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं और अपनी EMI प्लान चूज़ कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से लोन की रिपेमेंट कर पाएँ मंथली वाइज, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में दिखाई देगा, जब आपका लोन एक्टिव हो जाएगा तो रिपेमेंट का भी ऑप्शन आपको दोस्तों दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, दोस्तों ये एप्लीकेशन कौन सा है और कौन लोग यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25,000 रुपये तक का दोस्तों लोन ले सकते हैं, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब ये एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों बेटर मनी, जो कि ये लिक्वी लोन की तरफ से दोस्तों निकल के आ रही है। इन्हीं के दोस्तों एक लेंडर पार्टनर है जिनके जरिए से आपका लोन यहाँ पर सेक्शन होने वाली है। भविष्य में अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो ऑन टाइम रिपेमेंट करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपकी ओवरड्यू होगी। 3 महीने तक लगातार लोन की रिपेमेंट नहीं करेंगे आपका डिफॉल्ट हो जाएगा और ड्रॉप तो होना लगातार शुरू हो जाएगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ख़राब हो जाएगी। कहीं भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भैया आपने पिछले टाइम लोन की रिपेमेंट किया ही नहीं, तो इस बार क्यों मैं लोन दूंगा अलग एप्लीकेशन से। वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मेन मैटर निकल के आती है। अब ऐसे में लोग समझते नहीं है, भाई देखो यहाँ पर बेटर प्लस मनी जो है एक RBI रजिस्टर्ड है, तो भाई डेफिनेटली सिविल बेस ही लोन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना सिविल स्कोर के भी लोन आप ले सकते हैं, बट कब, जैसे कि मान के लिए आपने लाइफ में कभी भी आपने लोन के लिए ट्राई नहीं किया, लोन के लिए अप्लाई किया ही नहीं है, कभी आपने लोन लिया ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपका सिविल स्कोर जो होता है -1 में होता है। और ये सब बातें कोई जल्दी बताता नहीं है, बस धड़ल्ले से चीज़ें बता दी जाती है, ये एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है, आधार पैन के बेस पे मिल जाता है। बट भाई आधार पैन से मिलने से नहीं होता है और ना ही सिविल स्कोर से मिलने से होता है, बट आपको यहाँ पर समझना होगा
क्राइटेरिया होता क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी को पूरा कैसे आप कर पाएंगे। अगर माइनस वन में आपका सिबिल होता है और आपने कभी भी लोन अप्लाई नहीं किया, कभी भी कहीं से भी आपने लोन फाइनेंस नहीं कराया, तो आपका माइनस वन में सिबिल होता है। बट अगर आपने कभी लोन ले रखा है तो डेफिनेटली आपके 300 से लेकर 900 के बीच में आपका कोई ना कोई सिबिल स्कोर होंगे। जैसा आपने लास्ट टाइम लोन अकाउंट के साथ अपने एक्टिविटी की होगी, लोन लिया होगा, लोन की रिपेमेंट किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पर चांसेस बनेगा भैया कि आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन लोन देने से कतराएगी। ओवरड्यू कर रहे होंगे तो भैया सियोर है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि किसको लोन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर दोस्तों सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये दोस्तों काम कर दिया। दोनों कैटेगरी में आप घर बैठे लोन ले सकते हैं बिना सिविल स्कोर के। आधार पैन के बेस पे लोन ले सकते हैं या आधार डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोस्तों लगेगा। आधार ओटीपी के बेस पर दोस्तों आपकी केवाईसी होती है, और जैसे केवाईसी कंप्लीट करेंगे, पैन कार्ड की डिटेल वगैरह डालेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे और अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर में ऑलरेडी लोन लेकर दिखा चुका हूं। बीनो फाइनेंस के नाम से एप्लीकेशन पहले जाना जाता था, अब आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बेटर प्लेस मनी के नाम से जाना जा रहा है। पहले ये दोस्तों बीनो फाइनेंस के नाम से एप्लीकेशन काम करती थी। मैंने सेम इंटरफेस के साथ एप्लीकेशन काम किया है, लोन अप्लाई करके अपने बैंक अकाउंट में दिखाया है, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। बाकी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको चार्ज लगने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच प्लस GST यहाँ पर दोस्तों चार्ज लगने वाली है। प्रोसेसिंग फी में 25,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं मैक्सिमम, और 3 महीनों से लेकर 6 महीने का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। और मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट की बात किया जाए तो 20% से लेकर 50% तक भी चार्ज लग सकता है, इस बात को याद रखें। बाकी दोस्तों RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी के जरिए से आपको लोन मिल रहा है, तो भविष्य में अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो ऑन टाइम रिपेमेंट करिएगा, ताकि आपके सिविल स्कोर में सुधार हो, क्रेडिट हिस्ट्री में सुधार हो, ताकि कहीं भी आप लोन फाइनेंस कराओ या फिर कहीं भी आप लोन के लिए अप्लाई करो तो डेफिनेटली आपको लोन मिलने में आसानी हो। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप 2-3 अकाउंट या फिर 4 अकाउंट आपका लोन एक्टिव है और 5वें लोन अकाउंट के ऊपर आप ट्राई करो तो आपको 5वें लोन अकाउंट भी आपके एक्टिव हो जाए, यानी लोन आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ऐसा दोस्तों पाया जाएगा कि आपका लोन अकाउंट ऑलरेडी 4 जगह से ले रखे और 5वें लोन एप्लीकेशन के अंदर ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमारा और भी लोन एप्लीकेशन के लोन की रिपेमेंट कर दे, तो भैया ये नीति भी गलत है, गलत तरीके से आप काम भी कर रहे हैं और आगे चल के आपका सिविल इतना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये लोन जो होता है हाई डेबिट लोन अमाउंट हो जाएंगे, ये भी सिविल स्कोर में दिखाई नहीं जाएंगे कितना आपका लोन अकाउंट एक्टिव है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोन अकाउंट के जरिए से आपने लोन अमाउंट ले रखा है, तो ये भी आपके सिविल में दोस्तों इंक्वायरी हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, फिर आगे चल के दोस्तों कोई भी बैंक फाइनेंस आपको लोन देने से कतराएगी। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरत पड़ती है 1-2 लोन अकाउंट ही एक्टिव रखे और उससे लोन को प्रॉपर बंद करिए, लोन रिपेमेंट करके। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर हमने लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता रखा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।